हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे वीडियो का, बिहार आईटीआई पे वीडियो लाइए सर, और पूरा कट ऑफ वगैरह सब बताइए कि कितना बच्चा में इस बार फॉर्म भरा था, कितना सीट था, कौन कौन सरकारी कॉलेज है। तो पूरा आपको डिटेल्स में बिहार आईटीआई से जुड़ी यहाँ पे ताज़ा खबर बताया जाएगा कि किस जिला में कितना सीट है, कितना कट ऑफ जाएगा, और रिजल्ट का डेट सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होगा कि रिजल्ट आपका कब घोषित होगा। तो आप लोग वीडियो पे अंतिम तक बने रहिए, पूरा आपको डिटेल्स पता में चल जाएगा। इसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर भी यहाँ बातें आपको बताई जाएगी। पूरा हम लोग एनालिसिस करके आपको बिहार आईटीआई के लिए वीडियो लाए हैं, तो वीडियो को लाइक करके सारे आईटीआई परीक्षार्थियों में शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत होता है एक वीडियो बनाने में, और आप लोग डिमांड करते हैं और तुरंत हमारी टीम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ, आपको बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा में 249,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल, मतलब 249,000 लोग फॉर्म भरे थे। और कितना सीट है, तो सीट है 33,000 सीट है, 33,000 सीट है, और 249,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो डेफिनेटली है कि कंपटीशन टफ है। आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन कॉलेज आपके लिए सरकारी अच्छा रहेगा और कितना मेंबर कट ऑफ जाने वाला है। सबसे बड़ा अपडेट है कि कोई भी यूट्यूब चैनल अभी तक आपको नहीं प्रोवाइड कराया है कि कितना कट ऑफ जाएगा। हम लोग एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर के डाटा पे आपको प्रोवाइड कराएंगे कट ऑफ लिस्ट और रिजल्ट कब घोषित होगा। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 14 को स्टार्ट हुआ था, 3 लास्ट डेट था, और आपने 18 को एडमिट कार्ड लेकर 28 को परीक्षा दे दिया। सबसे बड़ा अपडेट है कि आपका रिजल्ट 6 जून तक घोषित हो सकता है, ये संभावित डेट निकला हुआ है, ये एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है कि 6 जून तक बिहार आईटीआई का आपका परीक्षा फल रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और आपका काउंसलिंग जैसे ही रिजल्ट निकलेगा घोषित हो जाएगा, उसके डिक्लेरेशन के एक सप्ताह बाद ही जून में ही आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट है, पूरे आईटीआई परीक्षार्थियों में शेयर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे के आए थे तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कट ऑफ कितना जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कौन कौन सरकारी कॉलेज। तो पूरा डिटेल्स आपको वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आईटीआई परीक्षा और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है कट ऑफ के बारे में। देखिए, जनरल का कट ऑफ जनरली प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 50% था, तो इस बार भी इतना ही रहेगा, तो मतलब आपका 150। क्योंकि देखिए, आप लोग परीक्षा दे के आए हैं 300 नंबर का, और 300 नंबर में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं था, 150 क्वेश्चन था और 300 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन दो नंबर और निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जनरल का कट ऑफ 150 नंबर रहेगा। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी एससी एंड एसटी 40%, मतलब 120 नंबर कट ऑफ ओबीसी एससी एसटी का रहेगा। जनरल कैटेगरी पीएच पर्सनली हैंडीकैप्ड का 45% कट ऑफ रहेगा, मतलब देखा जाए तो आपका 135 नंबर इन लोगों का कट ऑफ बनेगा। और रिजर्व कैटेगरी में आपको प्रोवाइड कर, तो अब आपको बताते हैं रिजर्व कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनका 40% कट ऑफ जाएगा, जो ओबीसी एसटी एससी रिजर्व कैटेगरी है उनके बराबर, मतलब 120 नंबर। तो जनरल का 150 नंबर, रिजर्व कैटेगरी का 120 नंबर, जनरल कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड का 135 नंबर, रिजर्व कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप्ड का 120 नंबर कट ऑफ जाएगा बिहार आईटीआई परीक्षा का रिजल्ट। बहुत बड़ी अपडेट है, 6 जून को आ जाएगा, 6 जून संभावित तिथि तय की गई है, और उसके एक सप्ताह बाद ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग पूरा आपको, जब तक आपका नामांकन नहीं हो जाता है कॉलेज में, तो पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराया जाएगा चैनल पे कि कितना नंबर पे इस कॉलेज में डालना कैसा रहेगा, काउंसलिंग में कौन कौन कॉलेज आपको डालना सही रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बिहार आईटीआई से। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, और हम लोग कट ऑफ के साथ आपका रिजल्ट डेट भी संभावित बता दिए हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस किस जिले में कौन कौन कॉलेज है, उनका पूरा लिस्ट आपको दिखाता हूँ, पूरा सीट आपको जो मैंने शुरू में 33,000 बताया है उसे दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पूरा सीट देखते हैं बिहार आईटीआई का, गवर्नमेंट कॉलेज का।
तो आप देख सकते हैं बिहार आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 249,000 अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था बिहार आईटीआई का, जिसमें से 33,000 सीटों पे बिहार आईटीआई कैट आपका सिलेक्शन लेगी। तो आप देख सकते हैं पटना में पूरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ से एग्ज़ाम दिए हैं और जहाँ एडमिशन लेने के लिए डिजायर हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा लिस्ट आपको पटना का है, इतना पटना के बाद नीचे आपका यहाँ भोजपुर का इतना लिस्ट है, भोजपुर के बाद रोहतास, कैमूर, नालंदा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद। मैं धीरे धीरे स्लाइड को डाउन कर रहा हूँ, आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सारण का है, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये पूरा मैं जिलावार आपको बिहार आईटीआई का गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को काउंसलिंग में भरते समय बहुत बेनिफिट देगा ये वीडियो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीतामढ़ी के बाद शिवहर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा जिलावार बिहार का आईटीआई कॉलेज बताया जा रहा है। सुपौल के बाद पूर्णिया का आप देख सकते हैं, कटिहार, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है। और उसके बाद देख सकते हैं जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे गर्ल्स के लिए दिया हुआ है ओमेन आईटीआई, ओमेन आईटीआई आपको पूरा होल बिहार में दीघा, सिवान, मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा, मोतिहारी, गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 33,000 पूरा सीट है आपका, 33,000 सीट है पूरा ये कॉलेज में। आपको कुछ कॉलेज का मैं पूरा जैसे ब्रांच वाइज सीट दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं पटना का आईटीआई दीघा, आईटीआई दीघा जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे कि आईटीआई कितना साल का होता है। तो देखिए आईटीआई एक साल का भी होता है, दो साल का भी होता है, कोई कोई एक्सेप्शनल ब्रांच तीन साल का भी होता है। डिपेंड करता है कि आपने कैसा ब्रांच चूज किया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना साल का आईटीआई। जनरली दो साल का ही आईटीआई होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई दीघा का ट्रेड है टर्नर, दो ईयर का। जनरल के लिए 30 सीट है, एससी के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 11 सीट है, बीसी के लिए 7 सीट है, आरसीजी के लिए 2 सीट है। टोटल 60 सीट आपको टर्नर ब्रांच में है, टर्नर ट्रेड में है। आप लोग वन बाय वन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईटीआई पालीगंज, आईटीआई बिहटा, आईटीआई मसौरी, आईटीआई बाढ़, आईटीआई पटना सिटी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आईटीआई गया, क्योंकि आप लोग को काउंसलिंग करते समय बेनिफिट मिलेगा। आप लोग रिजल्ट आने से पहले ही अवेयर रहिएगा कि कौन अच्छा कॉलेज है, कौन गवर्नमेंट कॉलेज है और किसमें कितना सीट किस ट्रेड में है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लाया है, पूरा शेयर कर दीजिए। बिहार आईटीआई का जो भी एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट हम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और जल्दी काउंसलिंग से भी रिलेटेड कि किस कॉलेज में कैसे काउंसलिंग करना है उसका भी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड होगा। अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जेई मेन पे, जैसे जेई मेन का रिजल्ट आ गया है तो जो जो लोग जेई मेन का एग्जाम दिए हैं तो वो लोग अगर चाहते हैं कि एक वीडियो लाएँ जिसमें पूरा समझाएँ कि कितना कितना मार्क्स, कितना कितना रैंक पे कौन गवर्नमेंट कॉलेज, कौन प्राइवेट कॉलेज, NIT या GFTI, IIIT जो भी कॉलेज मिलता है, तो इसका पूरा डिटेल्स आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं पूरा गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज का लिस्ट है और सबका ट्रेड का, अलग अलग ट्रेड का यहां पे नंबर ऑफ सीट है। और यहां पे देखिए पूरा सीट आपको मैं दिखाता हूँ, जो शुरू में 33,000 बोला था आईटीआई मधुबनी, आईटीआई मधुबनी सदर, सुपौल, बीरपुर, ये पूरा जिलावार बिहार के आईटीआई कॉलेज हैं, उनमें ट्रेड और ट्रेड वाइज सीट है, आपको देख सकते हैं। अब आपको पूरा सीट मैं दिखा देता हूँ कितना सीट है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनरल के लिए 12,589 सीट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
ये आपका एससी के लिए है 4025, एसटी के लिए 254, ईबीसी के लिए 4531 सीट है, बीसी के लिए 3020 है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आपका पूरा बिहार आईटीआई में 33,000 सीट है, 249,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं। तो काउंसलिंग से भी रिलेटेड अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, आपको तुरंत हमारी टीम वीडियो प्रोवाइड करा देगी पूरा एनालिसिस करके। तो बिहार आईटीआई से बहुत बड़ी खबर थी, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो जितना हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।